हमने लास्ट क्लासेस में टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन एंड पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन की स्टडी किए थे, और आज हम स्पेशल डिटेल्स में आपको डीजल इंजन वर्किंग से रिलेटेड हम आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज डीजल इंजन? डीजल इंजन वो होता है, डीजल इंजन के टू टाइप से भी हम बात करें तो टू स्ट्रोक में भी होगा और फोर स्ट्रोक में भी होगा। फोर स्ट्रोक में क्या होगा, आपका वाल्व होगा, और टू स्ट्रोक में पोर्ट होगा। बस बेसिक डिफरेंट ये है। अब हम डीजल इंजन की तरफ मूव करते हैं। डीजल इंजन में हम बात करते हैं तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग, ये आपका बीच में कूलिंग का दिखा रहा है, कूलिंग जैकेट है, सिलेंडर ब्लॉक दिखाया, ये पिस्टन आ गया, पिस्टन रिंग आ गया, इंजेक्टर नोजल आ गया, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम। ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको हमने डीजल इंजन से रिलेटेड आपको बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंटेक सक्शन क्या होता है। बेसिकली इसमें हम जब वाल्व की बात करते हैं तो टू टाइप्स के वाल्व होता है, एक सक्शन वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। सक्शन वाल्व सक्शन प्रोसेस के समय में ओपन होगा और एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट प्रोसेस के समय में ओपन होगा। बाकी कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों प्रोसेस में आपका सक्शन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। ओके डियर, जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये आपका डीजल इंजन में एयर इंटेक हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन प्रोसेस। पिस्टन जो होता है आपका फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी आ रहा है। टीडीसी मींस टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मींस बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट इसके बाद में जो प्रोसेस होगी हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होगी, जिसमें सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा, मींस क्लोज होगा। बीडीसी आपको जो दिखाई दिया और टीडीसी, ये आपका दो डेडलाइन कहलाती है जो पिस्टन के लिए अहम भूमिका रखता है। इसमें आपका जो इंटेक दिखा रहा है सक्शन प्रोसेस, ये आपका एक्चुअली केम प्रोफाइल केम शाफ्ट है। ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन। इसके बाद आपका जो ऊपर में पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका डीजल का इंजेक्टर है, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टर। नेक्स्ट इसके बाद में हम जब बात आगे करते हैं तो आपको ये दिखाई दिया जाएगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ डीजल के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहा है, और इसी के बाद हमारी कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसे हम बोलते हैं डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। ये आपका जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है उस केसेस में हम क्या करते हैं, हीट का ऐड करते हैं, और इसी बोलते हैं हम एक्सपांशन प्रोसेस। जब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, या इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में हमें बेसिकली ब्रेक पावर मिलता है, इंडिकेटेड पावर मिलता है। कैमशाफ्ट पे ब्रेक पावर मिलेगा, और आपका जब हीट बर्न होता है उस समय में हमें इंडिकेटेड पावर मिलेगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जॉस्ट गैसेस जो है अकॉर्डिंग टू द एक्सपांशन वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू आपका गैसेस निकल जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस पड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO हो गया, NOx हो गया। ये एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू हमारा लास्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। के फ्रेंड्स, ये आपका एक डीजल इंजन बेसिक कंसेप्ट के साथ चार प्रोसेस के साथ कंप्लीट होता है। पहली प्रोसेस सक्शन प्रोसेस, दूसरा कंप्रेशन प्रोसेस, थर्ड एक्सपांशन प्रोसेस जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, फोर्थ एग्जॉस्ट प्रोसेस। यहां पर एयर का इंटेक बता रहा है, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर जिसे एक्सपांशन बोलते हैं, और लास्ट प्रोसेस एग्जॉस्ट प्रोसेस, जिससे साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलता है। थैंक यू।